बॉलीवुड इंडस्ट्री एक के बाद एक अपने चमकते सितारे खोती जा रही है। बीते ही रविवार को हमने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को खो दिया है, जिसके बाद अब टेलीविजन जगत से एक बहुत ही दिल दुखाने वाली खबर सामने आई है। बीआर चोपड़ा के मशहूर सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले शानदार एक्टर प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया है। प्रवीण ने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस लेते हुए इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। प्रवीण कुमार के निधन की खबर से हर कोई सदमे में है, जिसके बाद अब उनके साथ भारत में नजर आए अभिनेता मुकेश खन्ना ने भी उनके निधन की खबर पर अपना रिएक्शन दिया है। प्रवीण कुमार सुमती को उनकी लंबी हाइट और कद काठी की वजह से जाना जाता था। वे हमेशा ही अपने भीम वाले किरदार के लिए लोकप्रियता पाते रहे हैं और आज सबके सामने ये खबर आई कि वे इस दुनिया में नहीं रहे तो सब काफी ज्यादा मायूस हो गए हैं। और ऐसे में ही उनके साथ काम कर चुके अभिनेता मुकेश खन्ना ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कुछ थ्रोबैक पिक्चर से शेयर करके ऐसा कैप्शन लिखा है, जिसके बाद सभी काफी ज्यादा शांत हो गए हैं। कुछ इस तरह ट्वीट करते हुए मुकेश खन्ना ने अपने सह अभिनेता प्रवीण कुमार को अलविदा कहा है। वहीं आपको बताते चलें कि प्रवीण कुमार सोबती का निधन दिल्ली में हुआ है। उनका अंतिम संस्कार आज पंजाबी बाग स्थित शमशान घाट पर किया जाएगा। तो दोस्तों, आप भी महाभारत के भीम प्रवीण कुमार सोबती के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके RIP लिखना ना भूलें। साथ ही ऐसी और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।